गुड आफ्टरनून दोस्तों, 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितने भी 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड में पिछले 10 साल में आए हुए, आपको अच्छे से लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल एक्सप्लेन में अच्छे से एक एक स्टेप समझूं, फिर भी आपको अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अलग ही तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इन एन एपी ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है जिसमें कितने टर्म है? 50 टर्म। The sum of the first 10 term is इतना। First 10 term का सम दिया हुआ है कितना? 210। And the sum of the last 15 term is ये। Find the AP, ठीक है? हमें AP निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, हमेशा से एक चीज मैंने आपको बोली है कि सबसे पहले ये डिसाइड किया करो कि हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है? AP। अब मैंने आपको बताया था AP हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब मिनिमम उसमें 3 terms हो, तभी हम एपी को बता पाएंगे। अब 3 terms के निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेट हमें एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है? ए और डी, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है? ये दो चीज निकालेंगे तो हमारा एपी निकाल पाएगा। लेकिन ये दो चीज कैसे निकाले? इन दो चीज के लिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये जो वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, हमें पता है एसएन क्या होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? बहुत अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन। एसएन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, ये पता है एसएन का फॉर्मूला है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट 10 term मतलब एस टेन इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस n की जगह फिर यहां पे 10-1 इंटू टी, और यहां पे s10 कितना दिया हुआ है? मां देखो s10 दिया हुआ है 210, यहां कितना आएगा? 210 इक्वल टू 10/2, और इसको सोल्व करेंगे तो 2a प्लस यहां से कितना आएगा? 90, ठीक है? अब देखो कुछ नहीं करना है, इस जीरो से ये जीरो कट गई और ये 2 यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा? 2 इन मतलब 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 90, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है? अब देखो अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि हमें क्या निकालना है? ये देखो ये पार्ट समझो, क्वेश्चन का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 15 term, इसको ऐसे समझो अगर मैंने कोई सम लिया ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, अगर मैं इसको मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं कहूं कि लास्ट 5 term का सम निकालो तो आप निकाल दो सिंपल सा कि ये है भाई, ठीक है? इनको ऐड कर दो तो लास्ट 5 term का निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहां पे हमें 50 term दी हुई है और टर्म का पता नहीं कि टर्म में क्या क्या है, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे के सम में से एस 10 में से माइनस मैं एस 5 कर दू, एस 5 कौन सा? इनिशियल, एस 5 इनिशियल, तो यहां से ये वाला सम मिल जाएगा मुझे, ये वाला सम मिल जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? ध्यान से देखो, मैं इस पूरे सीरीज में से ये शुरू के 5 माइनस कर दूं, इस पूरी 5 सीरीज का सम माइनस कर दूं, 5 जो डिजिट है इनका सम माइनस कर दूं, तो यही वाला मिलेगा, बिल्कुल। अब इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं? 50। तो अगर मैं ये लिख दूं एस 50 माइनस एस 35 इक्वल टू, तो मेरे को लास्ट टर्म का सम मिल जाएगा। आई बात समझ में? वो एग्जांपल दिया था जो उसी से सेम, कि अगर शुरू 50 शुरू के 50 में से वो टोटल 50 में से शुरू के 35 माइनस कर दूं तो एंड के 15 बचेंगे, सेम वही लॉजिक हम यहां लगाएंगे। तो ये कितना दिया हुआ है हमें? 2565। अब देखना ध्यान से, एस 50 के मतलब सेम फार्मूला लगाएंगे सम का, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी माइनस यहां पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, एस मतलब क्या लगाएंगे? n बाई टू टू ए, इसको कैपिटल n ले लो वरना आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, टू ए प्लस कैपिटल n माइनस वन इंटू। अब देखो इसके लिए n रखेंगे हम 50 और इसके लिए n रखेंगे हम 35। आई बात समझ में? जो समझाना चाह रहा हूं देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या किया मैंने, 50/2 टू ए प्लस 50-1 इंटू डी माइनस यहां पे क्या रखेंगे n दिएगा 35 35/2 2a प्लस
35 माइनस 1 इंटू टी, और ये पूरा टोटल कितना दिया हुआ है मुझे को 2565, यहां पे भी कितना है 2565। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से। तो इससे मैं ये काट दूं तो कितना आ गया 25, तो ये 25 मेरा यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस 49d, कोई दिक्कत नहीं आता, इज इक्वल। और यहां पे क्या है माइनस 35 ऐसे ही रहा बाय 2b ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से, यहां से 2a तो ऐसे ही रहा प्लस ये कितना हो जाएगा 34d, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और कितना दिया हुआ है ये 2565, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं 2 को मान ले लूं तो 25 ऐसे ही रहा, तो ये 2a प्लस 49d माइनस यहां देखो 35 बाय 2, और यहां से मैंने क्या किया 2 को मान ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया, तो ये कितना बचा मेरे पास a प्लस 17d। ये चीज समझ में आई अच्छे से, 2 को वापस से भेज दो तो वही आ जाएगा, तो 2565 क्यों किया मैंने ऐसा कि इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझो, इधर और इधर, इन दोनों में से मैं 5 को मान ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं पूरे में से, तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, ये पूरे में से मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा ध्यान से देखना, तो 5 तो ऐसे ही रहा, यहां पे क्या बचा 2a प्लस 49d, ये चीज समझ में आई अच्छे से। और यहां से भी अगर 5 बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 2 से 2 कट चुका है, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। कितने लोगों को ये बात समझ में आई। अब इस 5 को यहां से हटा के मैं यहां भेज देता हूं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा इससे कट गया 25 टाइम में, और ये आ जाएगा 5 बन 3। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक मैं ये इरेज करता हूं ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इतना बोर्ड में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनी थी, ये ठीक है, इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 5 को अंदर भेज देते हैं, तो 10a प्लस 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 245 डी। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7a, माइनस का 7a, और फिर माइनस का जाएगा तो ये माइनस का 17 × 7 4 7 × 7 119 119 डी कितना आ रहा है टोटल 513। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, 10a में से 7a गए तो 3a बचा, ठीक है, और यहां पे कितना बचेगा 245 में से 119 माइनस करेंगे तो 126 बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस का वो प्लस का 126d इक्वल टू 513। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो ये a प्लस यहां 12 बच जाएगा 4 बारी में, और ये ही आ गया इक्वल टू 513। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, कैसे पता चला, 3 का रूल है कि सम ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, 3 की मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 9 हो रहा है डिजिट का सम, 5 + 1 = 6 6 + 3 = 9। और यहां पे भी देखो, यहां पे भी ये 3 का मल्टीपल था, कैसे मुझे पता चला, 6 + 2 = 8 8 + 1 = 9। अब तो यहां से कितना आएगा a प्लस 42d इक्वल टू 513 अपॉन 3, तो ये इससे कट गया पूरा पूरा 17 टाइम में, और ये 1 टाइम में, तो यहां से कितना आ गया a प्लस 42d इक्वल टू 171। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। नोट डाउन करो, इतना लंबा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, क्या कर सकते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन में ये आया, ठीक है, इसको मैं अब इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 से यहां पे भी 2a हो जाएगा, तो इसके दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 42 42 या d यहां से कर देंगे 34 ये आ जाएगा, और इधर से कितना आया 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये पूरा पूरा कट गया, इधर से बचेगा 75d और इधर से बचेगा 300, तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारे पास 300/75, तो ये कट गया, तो यहां से d आ गया 4। अब इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, 2 में पुट कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं,
वन में, तो वन वाली क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। तो यहां पे देखो d की वैल्यू 4 रख दो, तो 2a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 42। तो यहां से 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 42, यहां से कितना आएगा 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, तो 2a इज इक्वल टू ये बचेगा 4 और 2 6, तो यहां से a कितना आ जाएगा 6/2, तो मतलब a इज इक्वल टू 3। अब देखो a मिल गया, d मिल गया, हमें AP बतानी है, तो AP हम बता सकते हैं, AP हमारी क्या होगी, ध्यान से AP होगी हमारी hence AP is कितना हो जाएगा, देखो तो A कैसे लिखते हैं, A A plus B A plus 2D ऐसे करके डैश डैश डैश, तो A कितना है 3 कोमा A कितना है भी 3 plus 4, यहां पे कितना हो जाएगा 3 plus 4 into 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 7 11, ऐसे ही चलेगा ये 4 4 15 19, ये हमारी AP है, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस है, क्यों एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ ही बच्चे इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, क्योंकि आते तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो पूरा करते ही नहीं है, आते तो देख के डर जाएंगे कि ये चीज लाइन ही नहीं समझ में आएगी कि यहां से इसको कैसे करूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। नोट डाउन करो, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो जल्दी से, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 32 2018 4 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, कोई एपी है उसमें फर्स्ट एम टर्म का जो सम है वही एक दूसरी एपी है उसके फर्स्ट एन टर्म के सम के इक्वल है, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूं कि कोई एपी है उसके फर्स्ट एम टर्म का सम वही है जो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम है, ठीक है हमें क्या निकालना है, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म इज जीरो, हमें अब एपी पता नहीं, तो एपी में हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू टी। अब हमें सम का फार्मूला पता है, सम का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, अब यहां पे एन की जगह एम रखना है, यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा एस एम इक्वल टू एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इन टू टी, ये हो गई इक्वेशन वन। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अब एन टर्म का क्या है ये लिखा हुआ है तो फिर से लिख लेते हैं इसको, अब एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, ये हो गई इक्वेशन टू। अब क्या कह रहा है एस एम और एस एन दोनों बराबर है, ध्यान से पढ़ो कि सेम एस, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि एस एम इक्वल टू एस एन, अब यहां पर कुछ नहीं करना है, एस एम की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो और एस एन की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी, और इधर से क्या आ जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब देखो ध्यान से इस टू से ये टू कट जाएगा, क्यों कट जाएगा बिल्कुल क्योंकि मल्टीप्लाई में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो एम को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा टू ए एम प्लस इस एम को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस एम इन टू डी, ये चीज समझ में आई कि नहीं, इस एम की एक बार इसके साथ और इस एम की एक बार इसके साथ, सेम यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे 2 an प्लस यहां से क्या आ जाएगा देखो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, सेम ये चीज एक बार इस एम की इसके साथ और एक बार इस एम की इसके साथ, ठीक है अब देखो इसको एडजस्ट करना है, ठीक है तो इसको ऐसे कर लिख सकता हूं मैं 2 am प्लस यहां देखो d को अंदर भेज दो तो m स्क्वायर d माइनस एम डी इज इक्वल टू टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये चीज समझ में सिंपल कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से ए वाले एक तरफ और डी वाले एक तरफ, डी वाले एक तरफ, ठीक है अब ए वाले एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा टू ए एम माइनस टू ए एन इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, अब ध्यान से देखना इसको उधर ले गया तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एम स्क्वायर डी माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा प्लस का एम डी, यहां तक समझ में आया कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान से इस पूरे में से टू ए को मना रहा है तो यहां से क्या बचेगा एम माइनस एन, अब ध्यान से देखना इसी स्टेप में इसी स्टेप पे बच्चों से मैक्सिमम मिस्टेक होगी, यहां पे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये, ध्यान से रखना
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहीं पे मिस्टेक होगी मैक्सिमम बच्चों से, इसी स्टेप पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एन स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी, एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिया एन डी प्लस, यहां से देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा एम डी, क्यों माइनस को अंदर भेजो तो माइनस एन डी और माइनस प्लस माइनस माइनस का एम डी, तो ये प्लस का है ना, तो यहां पे माइनस ही हो गया यार, क्योंकि प्लस का है तो तभी ये माइनस होगा तभी प्लस का होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसमें इस स्टेप में मैंने कहा ना ये दो स्टेप में ही मिस्टेक होगी आपसे, यहां पे अगर मैं डी कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा टू ए एम माइनस एन, इधर से मैं डी कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचा मेरे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस का, यहां से भी पूरे में से डी को बाहर निकाल लिया, पूरे में से डी को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचा, और यहां से क्या बचेगा माइनस एन प्लस ये भी माइनस का एन, ठीक है। ध्यान से देखो कोई दिक्कत यहां तक, अच्छे से नोट डाउन करो, अब वहां पे स्पेस कम बचा है तो यहां पे लिख रहा हूं यहां पर मिटा के, ध्यान से देखता, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी मेरे पास टू ए एम माइनस एन इज इक्वल टू डी, पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस का एम प्लस एन, एन प्लस एम। ध्यान से देखना बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को गौर करना। अब यहां पे मैं ये लगा सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां इसी को इसको इसमें ये फार्मूला लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा टू ए एम माइनस एन इज इक्वल टू डी बाहर निकाल दिया तो यहां से क्या हो जाएगा एम प्लस एन, और इधर से फिर क्या हो जाएगा एम माइनस एन और माइनस का एम प्लस एन, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पूरे में से एम प्लस एन बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो टू ए एम माइनस एन तो ऐसे ही रहा इक्वल टू डी, और इधर से क्या लिख लिया मैंने एम प्लस एन को बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचा एम माइनस एन और माइनस का वन, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, यहां एम प्लस एन है और यहां एम, यहां एम माइनस एन है या एम प्लस एन है, इसको काटना है लेकिन काटेंगे कभी जब ये दोनों साइन सेम होंगे, तो यहां से मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा टू ए एम माइनस एन इक्वल टू डी, और यहां से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया तो ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो इधर से क्या हो जाएगा एम प्लस एन, ये तो एम प्लस एन ऐसे ही रहा, और इधर से ये हो जाएगा वन माइनस एम प्लस एन। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, इस माइनस को वापस से भेज दो तो लौट के यही आ रहा है, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो फिर प्लस का, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया इस वापस से इसको अंदर भेज दो देखो तो ये हो जाएगा एम माइनस एन। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं, अच्छे से नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन करो। यहां पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना, वो जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, हम इसको इधर लाए और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर डी, और ये माइनस का है तो प्लस का एम डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फिर देखो ये इधर ऐसे ही आइए एम स्क्वायर डी, एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, और ये प्लस का है तो यहां पे ये प्लस है माइनस एन डी, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि हमने क्या किया माइनस को मान लिया तो माइनस का एन डी और ये प्लस का, यह हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एम माइनस है, तो ठीक यहां तक सही है, यहां तक भी सही है, यहां पे हमारा माइनस होगा ये माइनस, ठीक है, यहां पे ये, यहां तक कोई दिक्कत, यहां पे भी ये माइनस होगा तो क्या होगा ये हमारा एन माइनस एम, यहां पे भी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, बस एक स्टेप देख लेते हैं यहां से, ठीक है, हो जाती है यार कभी कभी, हम भी टीचर नहीं है कोई बहुत वो नहीं है, हमसे भी मिस्टेक होती है। टू ए एम माइनस एन इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया, इधर से हमारा एम प्लस एन तो ऐसे ही रहा, और इधर से क्या है हमारा एम माइनस एन, और इधर से माइनस एन माइनस एम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लू, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा टू ए एम माइनस एन ऐसे ही रहा, डी ऐसे ही रहा, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं माइनस को मान ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा एम प्लस एन, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस को मान लिया तो एन माइनस एम, और यहां से माइनस को मान लिया तो
तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का ऐसे ही रहा ओ माइनस, तो इधर से कितना हो जाएगा एम माइनस एन। ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी, ये चीज क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से अच्छे से समझना एक एक स्टेप बिल्कुल। और यहां पे अगर माइनस लगा देंगे तो ये फिर चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम माइनस एन। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ध्यान से देखना, अब पूरे में से मैं माइनस का कॉमन ले लू ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो ठीक है। अब मैं एम माइनस एन कॉमन ले लेता हूं, तो टू ए इज इक्वल टू एम माइनस एन इज इक्वल टू डी, ये ऐसी रहा, तो ये कितना हो जाएगा एम प्लस एन, और इधर कितना बचा माइनस का वन, और इधर के यार इधर से एम माइनस एन बाहर निकाल दिया, तो ये डी एच टी रहा, इधर से कितना बचेगा एम प्लस एन, और इधर से कितना बचेगा माइनस का वन ठीक है, और ये माइनस था ये एक ठीक है, माइनस जो कॉमन लिया था वो माइनस, तो देखो एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, तो यहां से कितना जाएगा टू ए इज इक्वल टू, अब इस माइनस को फिर से अंदर भेज दो, इसी माइनस को फिर से अंदर भेज दो, तो डी तो ऐसे ही रहा, तो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो मैं ये लिख लूंगा वन माइनस एम माइनस एन, मैंने इस माइनस को वापस से अंदर भेज दिया। आई बात समझ में, यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, ये मटेरियल मिटा देता हूं। यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म, तो मतलब ये लिख सकता हूं एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो हो गया बस क्वेश्चन सोल्व, तो एस एम प्लस एन एम प्लस एन बाई टू तो ऐसे ही रहा, इस 2a की जगह मैं ये ले सकता हूं, ध्यान से देखो 2a की जगह ये ले सकता हूं, एज इट इज 2a की वैल्यू रख दो, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी d 1 माइनस m माइनस n एक तरफ प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं आता, अब इस पूरे में से m प्लस n बाई टू तो ऐसे ही रहा, d निकाल दो, ये d कॉमन ले लो, तो ये d ऐसे ही रहा। अब देखना ध्यान से, ये इधर क्या बचेगा वन माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन। अब देखो ध्यान से, इस वन से ये वन, इस एम से ये एन, इस एन से ये एन, सारे कट गए क्योंकि प्लस माइनस में, तो इधर से कितना आ जाएगा एम प्लस एन बाई टू इंटू डी, और इधर कितना आ जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या है एस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना था आंसर। बेटा ये लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, अब ये मत सोचना कि सर ये तो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये वो चार मार्क्स का पूछा हुआ है बोर्ड का, तो ऐसे ही करना है, इनका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कोई आपको दो मिनट में तीन मिनट में शॉर्टकट तरीके से करवा रहा है तो मेरे ख्याल से वो आपको सही नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये दो तीन मिनट में हो ही नहीं सकती है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा एडवांटेज एडवांस हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तब आपसे दो तीन मिनट में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज पांच से सात मिनट लगेंगे ही लगेंगे, ध्यान रखना कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए बोर्ड में चार मार्क्स आते हैं, एक दो मार्क्स में नहीं आएंगे, तो नोट डाउन करो अच्छे से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 2018 फोर मार्क्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इफ द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब पीएथ टर्म जो है वो 1/q के बराबर है ना, तो क्या कह रहा है एंड qth टर्म जो है वो 1/p के बराबर है, और दोनों कैसे हैं सेम है, तो हमें क्या निकालना है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो ठीक है। अब बार बार एक ही चीज कितनी बार रिपीट कर चुका हूं कि सम निकालना है हमें, सम मतलब sn इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी। अब हमें sn निकालने का ये निकालना है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और एक डी चाहिए, और ये तो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तो ये रिटर है, तो ए और डी कैसे निकालेंगे, ए और डी निकालने के लिए देखो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है पीएच टर्म, हम जानते हैं एपी का एमएफ टर्म क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी, ये होता है एनएफ टर्म। अब हमें क्या दिया हुआ है पीएच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब यहां पर अब यह लिखना है, मतलब एपी इज इक्वल टू ए प्लस
पी माइनस वन इन टू टी, लेकिन एपी की जगह हमें वन बाई क्यू दिया है, वहां पे लिखा है कि पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाई क्यू, तो मतलब वन बाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इन टू टी, ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एंड द क्यूएच टर्म मतलब ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू टी। अब ए क्यू की जगह क्या लिख रहा है, वन बाई क्यू दिया हुआ है, तो वन बाई पी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू टी। ठीक है, इक्वेशन टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ये क्वेश्चन में सेम ही है, सेम हटा लो, सेम नहीं है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस कर देना है। तो कैसे निकलिए, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो वन वन में से क्या लिखना है, वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये पूरा लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इन टू डी, एक उसमें माइनस, ध्यान से देखना माइनस, इसको माइनस करेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, जो कंडीशन है वही लिखी है, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, नोट डाउन करो इतना, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, इसको एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस, इसको ऐसे नहीं करते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटाओ यार, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी को अंदर भेज दो, पी डी माइनस डी माइनस, अब देखो ध्यान से माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस का ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का क्यू डी, क्यू डी और माइनस माइनस प्लस का डी, तो देखो इस डी से ये डी कट गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, और इस ए से ये ए कट गया, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया, कट समझ में आ रही है सारी चीजें अच्छे से। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या आया, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी, तो मतलब डी कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, पी माइनस क्यू, यहां तक कोई दिक्कत, अच्छे से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, तो इससे ये कट गया, यहां से डी कितना आ गया, डी इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब हमें, मैंने बताया था एपी को डिफाइन करने के लिए, हमें हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए ए और पी चाहिए, तो इसको मिटा देता हूं और यहां पे वैल्यू रख देता हूं, डी की वैल्यू कितनी है, ये वन अपॉन पी क्यू, तो यहां पे रख दूं डायरेक्ट, तो ये रख देते हैं, और वन बाई क्यू तो एज इट इज रहा, ए प्लस पी माइनस वन, और डी जे कितना है, वन अपॉन पी क्यू, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये अंदर भेज दो, तो वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए, इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस का, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, तो ध्यान से देखो इस पी से ये पी कट गया, तो वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू, तो देखो ध्यान से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये इससे ये कट गया, तो ए इज इक्वल टू कितना गया, वन अपॉन पी क्यू। अब ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है, ए और पी दोनों बराबर है, यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, दोनों समझ में आ गया, यहीं पर मैं लिख देता हूं ताकि बार बार इरेज करने की जरूरत ना पड़े, ए भी आ गया हमारा, डी भी आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, एन की जगह पी प्लस क्यू रखना है, या इसको ऐसे ऐसे लिख दो यार, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, पुटिंग पुटिंग एन इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट पी क्यू, एन की जगह पी क्यू, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू पी बाई टू, और यहां पे कितना हो जाएगा, टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इन टू डी, इसको पी क्यू लिख देता हूं, वरना कईयों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर पी क्यू है तो क्यू पी क्यू लिखा। अब ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहां से एस पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू
टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है वन अपॉन पी क्यू। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से, सारे सिंपल है, सारे स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। तो यहां से कितना निकल के आएगा हमारा एस पी क्यू, ध्यान से देखना पी प्लस क्यू बाई टू, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा टू अपॉन पी क्यू। यहां पर देखो ध्यान से पी क्यू अंदर गया तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस का पी क्यू पी अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू। तो ध्यान से देखो इससे ये कट गया क्योंकि वो सेम है, तो यहां से कितना आ जाएगा एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, और यहां से कितना आएगा हमारा देखो दो में से एक गया तो एक, यहां पे क्या बचा दो में से एक गया एक, तो यहां से कितना बच जाएगा हमारा वन पी क्यू क्यू पी। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करो इतना। हमें क्या लाना है पी क्यू प्लस वन बाई टू, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? पी क्यू से पी क्यू माइनस पी क्यू टू अपॉन पी क्यू, कोई मिस्टेक नहीं हो रही, आंसर नहीं आ रहा, चेक करना नोट डाउन, यहां तक नोट डाउन करो चेक करता हूं कि कहां मिस्टेक हो रही है। ठीक है यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये स्टेप में गड़बड़ हो गई थी हमारी। तो यहां पर क्या आ जाएगा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई टू, तो यहां से देखो ध्यान से टू में से वन गया तो वन बचेगा, तो यहां पे क्या आएगा वन पी क्यू, और यहां पे देखो ध्यान से ये वन बचेगा प्लस का वन, क्यों प्लस का वन बचा रहे, यही से कटेगा तो फाइव अपॉन फाइव कट के क्या देता है यार वन ही तो देता है, तो यही है। अब देखो ध्यान से एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा दो, तो क्या हो जाएगा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई टू, और यहां से कितना हो जाएगा वन प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखना। तो इस पी क्यू से ये पी कट गया और हमें यही प्रूफ करना था एस पी क्यू इज इक्वल टू वन प्लस पी क्यू बाई टू, यही हमारा आंसर है। बोर्ड का पांच नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, चार नंबर का 2015 में फोर मार्क्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज मैंने जितने भी ऐसे क्वेश्चन कराए आपको 31, 32, 33 इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, जरूर मेरा ऐसा लग रहा है, मुझे अंतरात्मा बोल रही है कि ऐसा जरूर आएगा। तो अच्छे से करना, कंसेप्ट सीखो यार, बार बार कह रहा हूं लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन करने से ही आएंगे, डरने से नहीं आएंगे। डर के आप कभी मैथ नहीं सीख सकते, मैथ करने से आती है। हमारे एक सर थे वो हमको बोलते थे मैथमेटिक्स बाई प्रैक्टिस, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आएगी। मैथ लर्निंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको लैंग्वेज ही ट्रीट करोगे, रट लोगे क्वेश्चनों को तो कभी काम नहीं बनेगा, वही आप सीख लोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और माय मैथ की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसको सीखा जाता है, इसको करा नहीं जाता, इसको सीखो कि कैसे करा, और सीखी हुई चीज आदमी कभी नहीं भूलता है, ध्यान रखना इस बात को। आपने मोबाइल चलाना सीखा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना भी सीखा, फेसबुक पे मैसेज करना भी सीखा, कभी भूल पाओगे उसको? नहीं भूल पाओगे ना, सेम वही है। अगर मैथ को करते रहोगे, कंसेप्ट सीख जाओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे, आपको लाइफ टाइम पता रहेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ध्यान रखना यार बच्चों, नोट डाउन करो, तब तक करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है नोट डाउन करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हम टोटल 33 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी उनको रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे और काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। मैंने बहुत डिटेल में उनका एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझना। वीडियो थोड़ी लंबी है 10 मिनट की, लेकिन आप देखोगे मेरा गारंटी है कि आप कभी एक बार में देख के समझ में आएगा। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और उसी में क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखो क्या है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ टू ए, जो दो कोई दो एपी है उसके सम दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म का, क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है 4n plus 1 और 4n 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से लिखना, अच्छा क्वेश्चन है, चार मार्क्स है। कैसे लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या है वो A1 मान लेते हैं A1, और इसी का कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D1। ठीक है अब सेम ऐसे करेंगे यहां पे, लेट्स सेकेंड एपी हूज फर्स्ट टर्म
हूज फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए टू और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी टू। समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने एक ए पी मानी फर्स्ट वाली, उसका फर्स्ट टर्म क्या माना ए वन और उसी का कॉमन डिफरेंस क्या माना डी वन। सेकेंड ए पी मानी उसका फर्स्ट टर्म क्या माना ए टू और कॉमन डिफरेंस क्या माना डी टू। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए पी अलग अलग है, हम एक नहीं रख सकते, एक रखेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो वो कट जाएंगे ना, इसलिए मैंने अलग अलग किया। अब क्या दिया हुआ है, इनका सम, हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, अब इसी फार्मूले को इसके लिए लगाना है एक बार, और इसी फार्मूले को इसके लिए लगाना है, और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट के लिए एस एन वन, फर्स्ट के लिए मैंने क्या मान लिया एस एन वन, तो ये क्या हो जाएगा एन वन बाई टू टू इन टू ए, ए की जगह ए वन प्लस एन वन माइनस वन इन टू बी वन। ठीक है, और सेम इसी के लिए भी कर लेते हैं एस एन टू एन टू बाई टू टू इन टू ए टू प्लस एन टू माइनस वन इन टू डी टू, इसको कैपिटल में कर लेते हैं, ये लिख लिया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का रेशियो हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो हमें ये दिया हुआ है, तो ठीक है इतना आप नोट डाउन करो, स्पेस बढ़ गया है यहाँ पे, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं एन वन बाई टू इज इक्वल टू टू ए वन प्लस एन वन माइनस वन इंटू डी वन डिवाइड बाई एन टू बाई टू टू ए टू प्लस एन टू माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, ये लिख दिया हुआ है मैं सेवन एन प्लस वन अपोन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस टू से ये टू कट गया, बिल्कुल कट गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, अब देखो ध्यान से, अब एन वन, एन वन और एन टू, एन वन इज इक्वल टू एन टू बराबर है, क्योंकि यहां पे देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, तो दोनों का, तो मतलब इस पूरे की जगह मैं एन लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह मैंने एन लिख दिया। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके यहां पर लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा ये एन इज इक्वल टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी वन अपॉन एन टू ए ए वन ए टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी टू। अब ये इधर से कितना आइए सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन। ठीक है, अब देखो ये एन से ये एन कट गया, अब ध्यान से देखना, वहां से इरेज करके यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से अगर मैं टू कॉमन ले लू, टू कॉमन ले लू तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ए टू ए वन, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन टू डिवाइड बाई ए टू प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी टू इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। अब देखना ध्यान से, अब हमें क्या कह रहा है, नाइन टर्म निकाल दिया, तो हम जानते हैं a 9 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 8t। ठीक है, a 9 इज इक्वल टू a प्लस 8t, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हो कंपेयर, तो देखना ध्यान से a1 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन इज इक्वल टू ए वन प्लस एट डी, यहां तक कोई दिक्कत। क्या किया मैंने, इसको भी ए वन तो इसको भी ए वन मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इस ए वन से ए वन कट गया, और क्या बचा मेरे पास एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी वन इज इक्वल टू एट डी। अब इस डी से ये डी कट गया, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एन की वैल्यू आ गई मेरी एन माइनस वन इज इक्वल टू 16, तो एन इज इक्वल टू 16 प्लस वन इज इक्वल टू 17।
ये हमारा n आ गया। अब इसी n को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कहां गई इक्वेशन हमारी? इस वाली में, यहां पे इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा जो पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ नाइन टर्म। क्योंकि नाइन टर्म का रेशियो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, याद है कि नहीं अच्छे से? तो इस वाली को आप यहां से ये छोड़ देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये इरेज कर रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू d2 इक्वल टू n की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं। तो यहां पे कितना है? 7 इंटू n कितना आया? 17। 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना है? 4 इंटू 17 प्लस 27। तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 119 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना रहा यहां पे? 34 प्लस 27 ये। ठीक है, तो कितना आ गया रेशियो हमारा? 120 अपॉन 95। अब देखो दोनों ये 5 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। यहां देखो तो ये 5 से गया तो ये 24 और ये 5 से गया तो 19। तो यही हमारा आंसर है, नाइन्थ टर्म का जो रेशियो आएगा वो यही आएगा। समझ में आया? अच्छे से उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। एक्सप्लेन करने में काफी हद तक मैंने पूरा आपने अच्छे से कोशिश की है कि जितना अच्छे से समझा सकूं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। दोनों ईयर्स को मिला के दोनों में चार चार सेट होते हैं, तो टोटल अब तक 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसी में अब ईयर हम 2017 में जाते हैं। 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से, 1 मार्क्स का। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है और इसका nth टर्म निकालना है। देखने में आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में आसान क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान से देखना एक एक स्टेप करेंगे कैसे करना है। nth टर्म का हमें पता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, हमें nth टर्म का, तो हमें क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। a हमें दिया हुआ है, a कितना है हमारे पास? a इक्वल टू 1 बाई n। d कैसे निकालते हैं? मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान रखना, d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ध्यान से देखना और ऐसे ही करना, इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो हम ऐसे ओरली निकाल लेंगे। बेटा ओरल करने के अगर मार्क्स होते तो रिटर्न क्यों होता? रिटर्न इसलिए होता है ताकि आप एक एक स्टेप करके दिखाओ। ठीक है, ओवर स्मार्ट बनना इतना नहीं बनना चाहिए, जहां पे जिसकी जरूरत है उतना ही करना चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको स्टेप लिखने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि सर ये तो हम मन में कर लेंगे, ऊपर ही ऐसे कर लेंगे, इसका तो ये आंसर आएगा। आपको लिख के दिखाना है तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अब देखो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है हमारी 1 प्लस m अपॉन m और फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू सेम चीज है। थर्ड टर्म क्या है? 1 प्लस 2 बाई m अपॉन m माइनस ब्रैकेट लगाना है, देखो 1 प्लस m अपॉन 2। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया अभी बताता हूं। अब देखो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो प्लस में है या माइनस में वो एज इट इज लिखे जाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m माइनस m अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2m अपॉन m। अब देखो मैं बता रहा हूं कि मैंने यहां पे क्यों लगाया। अगर आप ये ना लगाते तो आप एग्जाम में इसको ऐसे ही लिख देते तो यहां से क्या होता? माइनस 1 प्लस m अपॉन 2, तो आपका d कभी सेम नहीं आता, इसलिए ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप कि आपसे कहां मिस्टेक हो सकती है वो मैं सब चीज बता रहा हूं। तो इसलिए ध्यान से इसको ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। क्यों? अब देखो ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का m अपॉन
दोनों के नीचे सेम सेम है तो अभी बताया था मैंने, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर में जैसे प्लस में लिखा है तो प्लस में हो जाता है, माइनस में लिखा है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखो इस वन से ये वन कट गया, ठीक है, और यहां देखो इस वन से ये वन कट गया और टू एम में से एक एम गया तो एम बचा, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा एम बाई एम, और इधर से भी कितना आ जाएगा एम बाई एम, तो इससे ये कट के कितना आ गया, ये भी वन आ गया और इधर भी वन आ गया, तो मतलब डी कितना आ गया इस सीरीज का, डी हमारा कितना है वन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है वन, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख भी रहा है कॉमन डिफरेंस वन ही है क्योंकि वन ही तो ऐड हो रहा है हर बार, देखो वन प्लस एम, फिर ये कोई दिक्कत नहीं आता, नोट डाउन करो यहां तक, एक एक क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ए और डी मिल गए, अब बस अपने सीरीज में लगा दो फार्मूला अपना जो करना था, अपने को क्या करना था ए बस यहां पे पुट कर दो, एन एट टर्म निकाल दिए तो ए एन ये ना, ए की जगह कितना है वन बाई एम प्लस एन की जगह एन ही रखना है एन माइनस वन इंटू डी, कितना आया था डी आया था हमारा वन बाई एन ओ सिर्फ वन। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है तो कितना जाएगा वन बाई एम प्लस एन माइनस वन, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्यों एलसीएम आएगा तो इधर जाएगा वन प्लस, अब देखो ये इसके साथ तो इसको पूरे स्टेप में लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, अपॉन एम इंटू वन, यहां से कितना जाएगा वन प्लस एम एन माइनस एम अपॉन एम, यही है इसका डी एन एथ टर्म। आई बात समझ में, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करो, मिटा दो, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस सीरीज में अगर हम ऐसे लिखते जाए तो 129 कौन सा नंबर का आएगा। ठीक है, यहां देखो तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है nth टर्म, और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं शुरू से, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सबसे पहले फार्मूला एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हमें एनथ टर्म मतलब एन दिया हुआ है, एन कितना है हमारा 129। ठीक है, दिया हुआ है कि एनथ टर्म जो है 129 है, तो एन हमें मिल गया, एन कितना है हमारे पास 129, ए कितना है ए को ध्यान से देखो, ए है हमारे पास माइनस वन, और डी कैसे निकालेंगे एज यूजल बार बार 4 माइनस माइनस वन इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, और यहां से देखो 9 में से ये गए 5, यहां से डी कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे क्या फार्मूले में पुट कर दो, ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, एन निकालना है। ठीक है, तो बस यहां पर पुट करो, तो एन कितना है 129 इज इक्वल टू ए, ए कितना है माइनस वन प्लस एन माइनस वन ऐसे, डी कितना है 5। अब देखो ये माइनस वन इधर आगे कितना हो जाएगा प्लस में, तो 129 प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इनटू 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 130, और देखो 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 30 12 दो बारी में 26। ठीक है, 26। अब इसको क्या लिखना है 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, अब 1 को इधर ले आओ तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू 27, यही आंसर है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देखो आसान आसान से है लेकिन कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में और जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ लो, आपको पूरे पूरे 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे मिलेंगे, वो इस हिसाब से सेट किए जाते हैं कि बहुत आराम से भी आप तसल्ली से भी सोच के करोगे तो आपका पेपर में टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम की कमी पड़ेगी। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपको फंडे क्लियर है, तो आपको कभी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। टाइम का रोना हमें सभी रोते हैं जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जो तो समझ में नहीं आता है क्या करें, एक ही क्वेश्चन को 5-10 मिनट तक सोचते हैं और फिर भी आंसर नहीं आता। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ गए कि कैसे कैसे करना है, तो आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, 2017 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 22nd टर्म इज -60 फाइंड इट 38th टर्म. देखो 38 टर्म दिया हुआ हमें 38 टर्म निकालनी है 38 टर्म को समान ठीक है नहीं पता हमें 38 टर्म कौन सी है कोई बात नहीं 38 टर्म निकालनी है तो 38 टर्म को हम ये लिख सकते हैं a प्लस 37d बिल्कुल लिख सकते हैं. अब यहां पे हमें एक तो a निकालना है और एक d निकालना है मतलब दो वेरिएबल है. अब दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए तो दो इक्वेशन कहां से मिलेगी यहां से. देखो क्या दिया हुआ है 10th टर्म कितनी है माइनस 4 मतलब क्या लिखेंगे इसको a प्लस 90 इक्वल टू माइनस 4 ये हो गई इक्वेशन 1. फिर क्या दिया हुआ है 22nd टर्म कितना दिया हुआ है माइनस 60 मतलब क्या लिखेंगे a प्लस 21d इक्वल टू माइनस 60 ये हो गई इक्वेशन 2. अब देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन ठीक है तो कैसे करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टर्म 1 चैप्टर 3 मैथ का इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. कैसे करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 क्या है a प्लस 21d इक्वल टू माइनस का 60 और ये क्या है a प्लस 90 इक्वल टू माइनस का 4. तो देखो ये माइनस और ये माइनस का है तो प्लस का तो यहां से देखो क्या बचेगा ध्यान से देखना इससे ये कट गया 12 में से 9 गए तो वो 21 में से 9 गए तो 12d और यहां देखो माइनस 16 में से प्लस के 4 गए तो माइनस का 12 बचेगा तो यहां से d कितना आ जाएगा माइनस 12 बाई 12 मतलब d इक्वल टू माइनस 1 d की वैल्यू आ गई. अब d को पुट कर दो इक्वेशन 1 में यहां पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो क्या है इक्वेशन 1 a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा a प्लस 9 और d की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4 a माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 4 तो a इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 4 प्लस 9 तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5. देखो a और d मिल गए a और d को बस वहां पे पुट कर दो इक्वेशन में तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है. ये इरेज कर रहा हूं मैं ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने तो d आया माइनस 1 और a इक्वल टू 5 तो a इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करो इक्वेशन में a प्लस 37 इनटू d तो a की जगह कितना लिख रहा है 5 प्लस 37 इनटू d जगह माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5 और यहां देखो प्लस माइनस माइनस का 37 तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 32 ये है हमारा आंसर. तो जो इसकी 38th टर्म होगी 38th टर्म वो क्या होगी माइनस का 32 यही पूछा है मुझसे. नोट डाउन करो अच्छा क्वेश्चन है दो नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कोई बहुत एडवांस और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं. एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है. याद रखना बच्चों बेसिक्स पे काम करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे. आप सिर्फ हाई फाई क्वेश्चन करते रहोगे और बेस आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप हाई फाई क्वेश्चन कर लोगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे उनको सिर्फ आप रट लोगे मेमोराइज कर लोगे. और हमें क्या है बचपन से मैथ को रटते हैं करते नहीं है. आई बात दिक्कत समझ में आई. अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है कि हम मैथ को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं लेकिन सब्जेक्ट में भी लर्निंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते. हम उसको मेमोराइजिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. क्या किया क्वेश्चन कर लिए समझ में नहीं आया रट लिया एग्जाम में पता ही है कि वही आना है तो लिख के आ गया और खुश हो गया कि हमें आ गया. अरे ऐसा नहीं है यार क्वेश्चन सीखो ठीक है अच्छे से सीखो नोट डाउन करो जल्दी से